दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दूरसंचार कंपनियों को अगले दौर की नीलामी यानी कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के बेस प्राइस में अब भी कटौती की उम्मीद है। उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह बात कही। आपको बता दें कि डिजिटल संचार आयोग यानी कि DCC ने बिक्री को पेश किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए कुल लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए की न्यूनतम कीमत तय कर चुका है। COAI के महानिदेशक SP कोचर ने एक बयान में कहा कि उद्योग संगठन यानी कि COAI सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी कि NDCP 2018 में किए गए वादों को लेकर नियमित आधार पर जानकारी हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि COAI के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल है। दूरसंचार ऑपरेटर्स सरकार से इस नीति के तहत 2 साल पहले किए गए वादों के अनुरूप शुल्कों में कटौती तथा स्पेक्ट्रम के मूल्य को तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय DCC ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी थी, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जानी है। हालांकि दूरसंचार विभाग अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर पाया है। इस नीलामी में करीब 5,00,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बिक्री की जाएगी। इस मुद्दे पर बयान देते हुए COAI के चेयरमैन SP कोचर ने कहा कि DCC की बैठक के बाद काफी पानी बह चुका है। सरकार के समक्ष कई तर्कसंगत दलीलें रखी गई हैं। सरकार ने हमारी दलीलों को खारिज नहीं किया है, न ही सरकार की ओर से मूल्य को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है। दूरसंचार विभाग को अब स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाना है। हालांकि विभाग का अगला कदम क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रिलायंस जियो ने वार्षिक स्पेक्ट्रम नीलामी की नीति को रोकने को लेकर विभाग से सवाल किए हैं। जियो का कहना है कि देश में डेटा सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी जल्द आयोजित की जानी चाहिए। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने 28 सितंबर को दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम खाली पड़ा रहने से मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर मुद्दे पैदा हो सकते हैं और इससे सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान होगा। जियो का कहना है कि 3.92 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खाली पड़ा है। वहीं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम नीलामी के समय को लेकर कुछ अलग विचार है। कोचर ने कहा कि कंपनियां नीलामी में भाग लेने का निर्णय अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर अभी टेलीकॉम कंपनियों के बीच मतभेद जारी है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।